हेलो एवरीवन, जय माता दी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है और थोड़ी अच्छी धूप निकल गई थी ना, तो उसके बाद ये फूल को तोड़ के हम लोग ले आए हैं मंदिर में सजाने के लिए। और बहुत ढेर सारे फूल आए हैं, जो कि अभी कुछ फूल जो ऐसे हैं जो आपको मैं इसमें शो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो वाइट वाला गुड़हल होता है ना, उस वो पूरा अच्छे से खिला नहीं हुआ है। तो जब वो पूरा खिल जाएगा तो और भी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात है कि इतने फूल अगर ना आपको नवरात्रि में या गणपति के टाइम पे ख़रीदना हो ना, तो 1000, 1500, 1200 के मिलेंगे। और फिलहाल इस टाइम पे भी ना, ये जो फूल हैं गुड़हल के, एक फूल आपको 20 से 25 रुपए के मिलेंगे। और इतना ज़्यादा ख़रीदना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये मेरे घर के गार्डन का है और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी फूल तोड़ के हम लोग लाते हैं ना, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसे रिकॉर्ड करूँ, आप सबके साथ शेयर करूँ। क्योंकि मंदिर में सजाने के लिए इतने फूल ना डेली ख़रीदना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आपका खुद का गार्डन है, आप अच्छे से केयर करते हैं, तो आप इतना आराम से कर सकते हैं। ये तो टेरेस का है, अगर जिसके पास अच्छी खासी जगह हो ना, तो वो काफ़ी अच्छे से, मतलब ढेर सारे फूल पौधे। तो अभी मैंने मंदिर में पूरे फूल को अच्छे से सजा दिया है और थोड़ा रख भी दिया है, कुछ लोगों को देना होता है। तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी थोड़ा सा ये क्लिप रिकॉर्ड करके शेयर करूं, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब अपने गार्डन का फूल अपने घर के मंदिर में चढ़ाओ। तो मैंने आज मॉर्निंग से अपना थोड़ा सा ये आप सबके साथ शेयर किया है। और आप सबको ये कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। क्या आपके भी गार्डन में इतने फ्लावर्स आते हैं? अगर आते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो कुछ टिप्स हैं जिसे फॉलो करके आप बहुत अच्छी खासी गार्डनिंग कर सकते हैं, काफ़ी वैरायटी फूलों की लगा सकते हैं। और नवरात्रि में इतने गुड़हल के फूल मिल रहे हैं, ये बहुत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंसिडेंस था, लेकिन अच्छा है कि कुछ हुआ नहीं, कुछ क्लियर चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन स्कूल का जो फर्स्ट डे था ना, 4 अप्रैल को स्कूल खुलने वाला था बच्चों का, और मैं बात कर रही हूँ पोदार इंटरनेशनल स्कूल सांता क्रूज वेस्ट की। तो वहाँ पे हुआ क्या था ना कि फर्स्ट डे ही एक बस थी, वो मतलब बच्चों को छोड़ने निकली और पहुँच नहीं पाई। करीब 3 घंटे या 4 घंटे के लगभग बस गायब थी, कोई भी किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, ऑब्वियसली होंगे भी जिसके घर के बच्चे थे। काफ़ी लोगों ने पुलिस कंप्लेन भी डाल दी थी। और ये बात जब मुझे पता चली ना, तो बहुत ज़्यादा मैं भी डिस्टर्ब थी कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके बच्चे होंगे उस टाइम पे वहाँ पे फंसे ना, उनको ही मतलब रियलाइज़ हुआ होगा कि मतलब कैसा फील होता है। तो फिर क्या हुआ कि बाद में मतलब जो बच्चे 1-1.5 घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं घर पे, वो बच्चे करीब दोपहर के छूटे थे और शाम के 4 बजे 4:30 बजे तक घर पहुँचे। और बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल पे पब्लिक इकट्ठा हो गई थी और सब लोग एकदम परेशान थे। हालांकि अभी स्कूल की तरफ से कुछ ऐसा पता नहीं चला कि क्या था क्यों था, बस उस पर कुछ जोक्स भी बहुत ज़्यादा वायरल होने लगे कि 2 साल तक लॉकडाउन था तो ड्राइवर रास्ता भूल गया, या जो भी रीज़न है वो क्लियर पता नहीं चला। लेकिन ये एक ऐसा टाइम था ना कि मतलब सारे पेरेंट्स का ना एकदम जैसे दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि जिसके बच्चे रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा ये आप सब समझ सकते हैं। और कभी ऐसा किसी के साथ मजाक में भी ना हो, क्योंकि जब मुझे पता चला ना, तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। और फिलहाल अभी सारी बसों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या रीज़न था वो तो क्लियर नहीं पता चला है। लेकिन जो भी था ना, लेकिन ये सही नहीं था, क्योंकि उतने 4 घंटे में किसी का बच्चा अगर घर ना आए तो उस पर क्या बीतती आप सब समझ सकते होंगे। तो मैं तो पूरा सोच के एकदम परेशान हो गई कि कैसे ये हो सकता है ऐसा। फिलहाल अभी बात करते हैं, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ शौर्य को लेके, और आज दूसरा दिन भी अच्छा था। बच्चों ने काफ़ी
अच्छे से पढ़ाई भी की और अच्छा लगा उनको, काफी दिनों के बाद स्कूल गए थे। और उसके बाद आज सुबह से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, बस मैंने अपने फ्लावर्स दिखाए थे जो हमारे टेरेस गार्डन पे में आए थे। और मैं जब देखती हूँ उन फूलों को ना, मुझे इतनी खुशी मिलती है। और मैं बार बार आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जितने भी फूल निकलते हैं ना, वो प्योर ऑर्गेनिक रहते हैं। हम लोग मतलब बाहर की जो वो खाद वगैरह होती है ना, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। घर पे ही खाद बना के वही यूज़ किया जाता है। और फ्लावर्स इतने ज़्यादा आते हैं ना, काफ़ी वैरायटी है, वो आप सबने देखी होगी। तो उसके बाद अभी मैं शाम का टाइम है और मैंने सोचा आप सबसे बात करूं, क्योंकि आज मैंने ब्लॉग पूरा शूट नहीं किया था और मेरा उतना मन भी नहीं था। तो फिर मैं सोची कि इस टॉपिक पे बात कर लूं, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे जो ये बस गायब हुई थी ना। बच्चों को लेके आओ स्कूल से, जैसे मैं जाती हूँ लेने, और इतनी तेज धूप रहती है ना, आने के बाद बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं करता, और मुझे धूप से थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो फिर उस टाइम पे तो मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करती। और आने के बाद ना, पहले मैं जो बच्चों को खाना वगैरह देना रहता है वो सब करके ना, थोड़ी देर तो मैं बिल्कुल रेस्ट करती हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, धूप से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल अभी शाम का टाइम है और मैं थोड़ी देर रेस्ट की, अभी मैं बिल्कुल रिलैक्स बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग नहीं बना पाई तो कि आप सबसे बात ही कर लेती हूँ। से ना स्कूल स्टार्ट हुआ है, तब से हमारा जो वॉकिंग का टाइमिंग है ना, वो भी चेंज हो गया है। अभी मैं मॉर्निंग में नहीं जाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो अभी मैं शाम में जाती हूँ, शाम में 1 घंटे के लिए मैं जाती हूँ वॉक पे। तो उसके बाद फिर आने के बाद जो मेरा काम रहता है वो सब कंप्लीट करती हूँ, और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अगर आप सब भी ना अपना वेट कम करना चाह रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिसे फॉलो करके आप अपना वजन बहुत ही आसानी से घटा सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला अभी जो चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ। तो अगर मेरा ये चीज़ कुछ दिन मैं कंटिन्यू करके देखूंगी, फ़र्क भी दिखेगा, तो आगे आप चाहेंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी। और तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और कोशिश करूंगी कि आज से ही अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करूँ, इवनिंग रूटीन आप सबके साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।